टेक्निकल ड्राइंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सेक्शन ऑर्थोग्राफिक में ये सम कर रहे हैं जिसका लेंथ 160 है, हाइट 84 है एंड विड्थ 100 है। हाइट 84, वो देखो वो कैसे आया, 12 प्लस 42 प्लस 30, उस हिसाब से हाइट मिलता है। विड्थ तो 100 है। फ्रंट व्यू में देखेंगे तो क्या मिलेगा वो पहले देखते हैं। यहाँ से देखेंगे तो देखो फ्रंट व्यू में ये हाइट 12 दिखेगा, ये जो है वो स्लॉट 10 mm का है जो थ्रू एंड थ्रू जा रहा है, बराबर। तो पहले 12 का लाइन बना देते हैं पूरा, 12 बाय 160 का। उसके बाद हाइट वहाँ से जाती है, टोटल 24 है तो वापस 12 ऊपर लेके अंदर की तरफ, यहाँ से 42 ऊपर और बाद में अंदर कितना जाएंगे, रेडियस 30 है सो 30 रेडियस अंदर जाके सर्कल बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये पार्ट हो जाएगा, अंदर का सर्कल भी बना लेंगे जो डायमीटर 30 है। और अभी यहाँ पे एक डॉटेड आएगी, 10 की हाइट पे डॉटेड जो है ना, वो मैंने जो बताया वो स्लॉट थ्रू एंड थ्रू उसका डॉटेड है। और उसके बाद ये स्लोप है जो हम लोग टेंजेंट की तरह बनाएंगे, ये रिब है। जब भी कोई पतला ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करे, पतला पार्ट, बराबर, तो उसे रिब बोलते हैं। ये टेंजेंट होगा। फ्रंट व्यू हो गया, अभी टॉप व्यू देखते हैं। टॉप व्यू में ऊपर से देखो ये कितना है, 76, ये 100, तो दोनों साइड 24, सो 12 दोनों साइड छोड़ना पड़ेगा, बराबर, 12 दोनों साइड। उसके बाद ये देखो ये पार्ट जो है और ये पार्ट, तो पहले इसको प्रोजेक्ट करते, 12 mm छोड़ के लाइन, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया। यहाँ से भी 12 mm छोड़ के एक लाइन, ये रेक्टेंगल बन गया। उसके बाद ये सर्कल को प्रोजेक्ट करेंगे, उसके बाद ये देखो सेंटर लाइन बना देते हैं, दोनों साइड 6-6 mm का गैप छोड़ के ये रिब बना सकते। टॉप व्यू देखो, यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे, ऊपर से प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ तक आता है, तो जहाँ पे आएगा वहाँ ऐसा मर्जिंग कर्व बनाएंगे, छोटा सा फ्री हैंड कर्व बनाते हैं वहाँ पे, क्योंकि हमें मालूम नहीं ये कहाँ पे मर्ज हो रहा है, इसके लिए ऐसा करते हैं। उसके बाद ये जो सर्कल है उसका एक्सट्रीम लेफ्ट एंड राइट, एकदम लेफ्ट और राइट वाला लाइन, वो डॉटेड आएगा क्योंकि वो हमें नहीं दिखता, और वो सिर्फ इतने पोर्शन में ही आएगा, पूरे पोर्शन में नहीं आएगा, सिर्फ 76 में ही आएगा। उसके बाद दो और डॉट लाइन है 52 वाली, तो सेंटर से 26 अप 26 डाउन, ये जो है ये स्लॉट है जो पूरा थ्रू एंड थ्रू जा रहा है, अगर आप डायग्राम देखेंगे तो उसमें पूरा दिखाया हुआ है। तो इस प्रकार से टॉप व्यू भी हो गया, साइड व्यू में ये पार्ट दिखेगा, ये स्लोप दिखेगा और ये रेक्टेंगल, तो पहले ये बनाते हैं। इसका सेम है, हाइट 12, बाद में अंदर 12 और वापस ऊपर 12 अप, ये 24, 10 अप और ये 76 वाला। उसके बाद ये जो रिब का टेंजेंट है वहां से प्रोजेक्ट करते हैं, तो वहां से पता चलेगा कि कितना रिब कहां तक जाएगा। देखो इसको यहां से लिया और ऊपर प्रोजेक्ट किया तो ऐसे आएगा, बराबर। उसके बाद ये जो सर्कल है उसका डॉटेड लाइन ऊपर और नीचे ऐसे, तो इस प्रकार से साइड व्यू में भी डॉटेड बना के सेट लाइन बना के हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू तीनों व्यू हो गए। अभी हमें सेक्शनल फ्रंट व्यू अलोंग AB एंड सेक्शनल टॉप व्यू अलोंग PQ बनाना है। देखो ऐसे
तो सेक्शनल फ्रंट व्यू अलॉन्ग ए बी में क्या होगा, यहाँ ए बी पे कटिंग प्लेन लाइन होगी और ये पूरा पार्ट चला जाएगा। सो ये जो रहेगा उतना पोर्शन डार्क। अभी देखो इसमें हैचिंग आएगा, इसमें हैचिंग नहीं आएगा बिकॉज ये रिब है। तो जब ये 12 वाला लाइन चला जाएगा और ये 10 वाला लाइन डार्क हो जाएगा बिकॉज अभी हमें वो स्लॉट दिखता है। इधर पूरा हैचिंग आएगा, रिब में हैचिंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम लोग उसको पैरेलल काट रहे हैं। कटिंग प्लेन ए भी दिखा दो, बाद में सेक्शनल टॉप व्यू अलॉन्ग पी क्यू। देखो यहाँ से कट हो रहा है, पी क्यू यहाँ से कट हो रहा है, ये पोर्शन चला जाएगा पूरा। तो इसमें ये पोर्शन डार्क करो, ये पोर्शन डार्क करो, ये हैच कर दो, तो इस तरह से आएगा। तो जब हम लोग टॉप व्यू में काटेंगे तो यहाँ से कट होगा। अभी इसमें रिब कट हो रहा है और उसको हम लोग हैच कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज रिब जो है, पहले वाला रिब था वो पैरेलल कट हो रहा था। देखो ए बी में पैरेलल कट हो रहा था और पी क्यू में परपेंडिकुलर कट हो रहा है। तो जब भी परपेंडिकुलर कट होता है वहाँ पे हैचिंग आता है, और वो पॉइंट कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। देखो सो हमेशा याद रखो, जब भी रिब को आप पैरेलल काटते हैं तब उसमें हैचिंग नहीं आता, बट जब आप उसको परपेंडिकुलर काटते हैं तब उसमें हैचिंग आता है। देखो टॉप व्यू में नीचे की डॉट लाइन वो निकाल देंगे क्योंकि हम लोग डॉट लाइन नहीं दिखाते, और इतने पोर्शन में हैच होगा। तो इस प्रकार से सेक्शनल फ्रंट व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू एंड लेफ्ट एंड साइड व्यू हम लोग ने किया। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये सम समझ में आया। अगला सम लेके मैं जल्दी लौटूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।